हेलो गुड इवनिंग नमस्कार वेलकम ऑल ऑफ यू कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत मैं मुकेश कटारे दोस्तों तो आज से ये नई क्लास स्टार्ट होगी इसकी टाइमिंग डेली नाइन थर्टी रहेगी और ये लगभग एक से डेढ़ घंटे ये क्लास कंटिन्यूस चलेगी इसमें हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूं कि इसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो प्रीलिम्स है पीटी है उसकी इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा यानी कि पेपर टू बी का जो कंटेंट है पहली यूनिट दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट ये कवर करेंगे छठवीं यूनिट में आधे हिस्से में पॉलिटी दी गई है उसके बाद यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास विदेश व्यापार आयात निर्यात वित्तीय संस्थाएं रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक सेबी बी एन इनको दिया गया है ये भी हम कवर करेंगे साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में ये कौन सा पेपर है उसमें कौन कौन से सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं तो इस बार पेपर टू के पार्ट बी में इन्होंने इकोनॉमिक्स को रखा हुआ है पिछली बार पेपर थ्री का पार्ट बी था बट इस बार आप देखोगे इसमें हेडिंग डाली हुई है उन्होंने अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र तो यहाँ पहली यूनिट जो है भारत में कृषि उद्योग सेवा के मुद्दे भारत में राष्ट्रीय आय आरबीआई उसके फंक्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉनिटरी पॉलिसी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी कैश ट्रांजेक्शन पीडीएस फिजिकल पॉलिसी इसी के अंतर्गत बजट आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के करेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंज गरीबी बेरोजगारी रीजनल इम्बैलेंस ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस दूसरी यूनिट जो है वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश से संबंधित है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिकों को कवर करेंगे और ये जो तीसरी यूनिट है मानव संसाधन ये पुराने सिलेबस की है तो इस इसमें ये भी कवर होगा उसके बाद सोशियोलॉजी फिर इसके लिए अलग से लेक्चर बना लेंगे तो अभी हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई बिगनिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये पेपर जो यूनिट सिक्स है प्रिलिम्स नौ फाइल इसकी रेडी हैं जिसमें आप प्रिलिम्स के पूरे के पूरे नोट्स अपडेटेड ले सकते हो पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स ये सारा सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाता है बेसिक यानी कि ऐसा मान के चलते हैं कि आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है हम विषय में प्रवेश करते हैं शुरुआत से तो कहां से शुरुआत करें बिल्कुल जीरो से चाहे आपका बैकग्राउंड रहा हो चाहे ना रहा हो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा ओके तो पेपर पेन जरूर ले लो पेपर पेन ले लेंगे तो आपको उससे फायदा होगा आप अपने नोट्स साथ में बना पाओगे और मेरा काम आसान हो जाएगा कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा आपको तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ से ये सब शुरुआत होती है तो बेसिक सी शुरुआत है मान लो आपसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है और दूसरी तरफ वो पूछ लेता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है अर्थशास्त्र यानी कि इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था को कहा जाता है इकोनॉमी दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर इतना सा है कि अर्थशास्त्र से मतलब हो जाता है कि ये एक विषय है सब्जेक्ट है और अर्थव्यवस्था उस विषय का प्रयोग है अंशुल जी नमस्कार खुश रहिए यानी अर्थव्यवस्था क्या हो जाता है उस विषय का जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं या किसी राज्य में किसी देश में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो अर्थव्यवस्था बन जाता है ये अपने आप अप में कंप्लीट वर्ड होता है इकोनॉमिक्स लेकिन इकोनॉमी जो है इनकम्प्लीट वर्ड होता है इसके पहले हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी रशियन इकोनॉमी मुगलकालीन अर्थव्यवस्था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था तो ऐसे करके ये चीजें कवर करते हैं अब अर्थशास्त्र के बाद में यहीं से शुरुआत करें कि इसमें हम अर्थव्यवस्था को यानी कि भारत, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको कितने भागों में बांटा जाता है अलग अलग सिस्टम रहते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है कैपिटलिस्ट दूसरा लिखा है कम्युनिस्ट तीसरा लिखा है मिक्सड इकोनमी तो ये होती क्या है इनको हम कैसे समझेंगे तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो इसकी शुरुआत जब से मानव सभ्यता आई उस समय से एक व्यवहार में अर्थशास्त्र हमेशा से हमारे साथ रहा जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया लेकिन इसको एक विषय के रूप में पहचान कब मिलती है तो इसको विषय के रूप में पहचान जो दिलाई वो दिलाई एडम स्मिथ ने और ये पहचान उन्होंने काफी बाद में दिलाई थी ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी इन्होंने दिला दी थी तो एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम याद कर लेंगे देन फिर हम नोट्स के अकॉर्डिंग इस पर पढ़ना शुरू करेंगे तो इनकी किताब कौन सी है नाम क्या है एडम स्मिथ ये एक अर्थशास्त्री थे इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस वेल्थ ऑफ नेशंस ये किताब जो है ये किताब बताती है कि कैसे किसी देश को हम धनवान बना सकते हैं कैसे किसी देश को समृद्धशाली बना सकते हैं और ये किताब इनकी पब्लिश हुई थी ईयर 1776 में सत्रह में इसे क्या कहते हैं इस किताब में इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उन्हें हम लेज फेयर के नाम से जानते हैं यानी जिसे अहस्तक्षेप के नाम से जाना जाता है आगे धीरे धीरे इस पर बात करेंगे अस्तक्षेप क्या होता है अब इनके सिद्धांतों को पूंजीवाद के नाम से जाना गया 1777 में सबसे पहला देश जिसने इन सिद्धांतों को अपने यहां पर फॉलो किया वो बनता है अमेरिका तो अब जो इकोनॉमी के ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें संगठन तो एक हमें देखने को मिलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी तरफ हमें मिलती है मिक्सड इकोनॉमी ये तीनों क्या है इसको पहले समझ लें देन आगे चलते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर आधारित है और जिसको अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों ने समर्थन किया जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये साम्यवाद यानी कार्ल मार्क्स लेनिन इनके विचारधाराओं पर आधारित है जिसका समर्थन रूस और चीन और पूर्वी यूरोप के देशों ने किया मिक्ष्ट मिक्ष्ट होती है तो पहले हम बात समझ लें देन इसके बाद साम्य बात को समझने के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपको मान लो पचास लाख रुपए मिल जाते हैं यू हैव फिफ्टी लैक रुपीज आपके पास पचास लाख रुपए अचानक से आ गए अब आप क्या करोगे इन पचास लाख रुपए का आप कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई कर सकते हो बता सकते हो कि आप इन पचास लाख रुपए का क्या करोगे तो जैसे मुझे मिलते पचास लाख रुपए तो मैं सोचता कि ये पचास लाख रुपए से और ज्यादा पैसा कर लूँ तो मैं क्या करता मैं हो सकता है कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता कोई दुकान खोल लेता अब दुकान खोलते तो किसकी दुकान खोलते क्या कौन सा आइटम उसमें हम बेचते तो इसका हमें पता करना पड़ेगा बाजार में किसकी डिमांड ज़्यादा है अंशुल पंवार बोलते हैं मैं होटल बनाता आप होटल खोल लेते होटल क्यों खोल लेते क्योंकि आपको लगता है कि बाजार में खाने पीने का शौक तो हमेशा रहेगा ही तो इसकी डिमांड ज्यादा है इसलिए आप होटल खोलना चाहते हो यानी उस पैसे से उस पूंजी से आप क्या करना चाहते हो तो ये कौन बता रहा है ये बाजार बताता है कोई बोलेगा कि मैं तो इसको बैंक में जमा कर दूंगा सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा अब फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो लेकिन हो सकता है बैंक घाटे में चला गया बंद हो गया तब क्या करोगे तो उससे बचने का भी कोई दूसरा रास्ता कोई बोलेगा मैं शेयर बाजार में लगा दूंगा कोई कहेगा कि मैं तो जिसका पैसा है उसको खोजूंगा उसे वापस दूंगा कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं मैं तो आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा तो ऐसे लोग जो मेरे खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं उनको अपना अकाउंट नंबर बता देता हूँ मुझे वो ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमें यह समझना है कि यदि किसी के पास पूंजी है पैसा है तो वो क्या करेगा कोई फैक्ट्री कारखाना लगाएगा तो उस फैक्ट्री कारखाने में क्या बनाएगा कौन सा सामान बनाएगा ये कौन बताता है तो ये बताता है बाजार या इसे हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस बाजार की शक्तियां इसको डिफाइन करती हैं कि बाजार में जिस चीज की डिमांड है आप वो बनाओगे अब दूसरा मैटर आता है कि कितना बनाओगे जैसे मैंने सोच लिया कि हम तो एक आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे आइसक्रीम बनाने की एक कंपनी का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं क्योंकि लोग हमेशा हर सीजन में खाते हैं चाहे रेनी सीजन हो गर्मी हो सर्दी हो आजकल तो ये चलता है तो अब ये डिसाइड हो गया कि आइसक्रीम का एक फैक्ट्री लगाएंगे अब आइसक्रीम कितनी बनाओगे एक दिन में दस पीस बनाओगे या सौ पीस बनाओगे या एक हजार पीस बनाओगे एक लाख पीस बनाओगे तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना उसमें प्रोडक्शन हमें करना है तो हम प्रोडक्शन उतना करेंगे जितनी बाजार में डिमांड होगी या उतना करेंगे जितना कि हमारे पास पैसा होगा तो पैसा होगा पैसा मान लो बहुत ज्यादा है कि आप एक साथ 200 करोड़ आइसक्रीम बना सकते हो लेकिन वो आइसक्रीम आपकी खरीदने वाला अगर कोई नहीं होगा तो बेकार हो जाएगी तो इसलिए क्या पता करते हैं कि बाजार में कितनी डिमांड है उस हिसाब से हम वो प्रोडक्शन करेंगे डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे वेरी गुड दो चीजें क्लियर हो गई कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो ये हमें बाजार बता देता है साथ ही साथ हम कितना बनाएंगे ये भी हमें बाजार बता देता है अब तीसरा मैटर आता है कि उसको कितने रुपए पर बेचेंगे यानी उसको मार्केट में एक आइसक्रीम बनाई और उसकी कीमत रख दी एक रुपए या उसकी कीमत हम रखें सौ रुपए या हम उसकी कीमत रखें एक हजार रुपए या हम उसकी एक एक आइसक्रीम की कीमत रखें वन सी आर एक करोड़ रुपए तो अब यह भी कीमत कौन तय करेगा अगर आप मान लो एक रुपए रखते हैं और आपकी लागत से भी कम है तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा आप अगली बार बनाने की स्थिति में नहीं रहोगे आप एक करोड़ की एक आइसक्रीम बेचते हो तो आपके अलावा आपकी आइसक्रीम को कोई खरीदेगा नहीं ये समस्या आएगी ना तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप ये देखोगे कि हमारा प्रोडक्ट बाजार में किस रेट पर खरीदा जा सकता है या और कोई दुकान है और कोई कारखाना है वह अपने सामान को कितनी कीमत पर सेल कर रहा है ये भी तो पता करोगे ना तो अब कीमत कितनी होगी ये भी बाजार की शक्तियां डिसाइड करती हैं, मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही तय होता है तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं क्या पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म क्या है जो हम अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के संगठन ऑर्गेनाइजेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं तो पहला संगठन क्या बताया पूंजीवाद कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म में बाजार की शक्तियां ही सब कुछ तय करती है जिस वस्तु की जिस सर्विस की बाजार में डिमांड होगी उसी सर्विस को उसी वस्तु को बनाया जाता है और उसकी कीमत भी उसी हिसाब से रखी जाती है जिस पर बाजार अफोर्ड करे अब यहाँ पर कीमत को लेकर अलग अलग बातें देखने को मिल सकती हैं कई चीजें ऐसी होती हैं बाजार में जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है तब भी लोग खरीद लेते हैं और उनकी कीमत जब सम कम कर दो तो लोग नहीं खरीदते हैं तो उसमें अलग थ्योरी काम करती है जैसे हम गिफिन गुड्स कहते हैं अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि आपके पास पचास लाख रुपए थे और उससे आप क्या करना चाहते हो ये आपको कौन बताएगा ये आपको सरकार बताएगी या कोई व्यक्ति बताए मान लो ये नॉर्थ कोरिया में रहते हो आप नॉर्थ कोरिया का ये शासक है और आपके पास पचास लाख रुपए हैं आप चाहते हैं मैं आइसक्रीम बनाऊं या कोई अन्य बिजनेस करूं लेकिन ये कहेगा नहीं अभी आप क्या करोगे अभी आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बनाने एग्रीकल्चरल कोई टूल बनाओ अब आप इस पर भी एग्री हो जाओगे वो ये बोलेगा कि आप इतना उत्पादन करोगे और फिर उसकी कीमत भी यही डिसाइड करेगा ये से मतलब ये ये ऐसा नहीं समझ लेना कि ये कोई हम इससे ये समझ लें कि सरकार तय करेगी हर बात के बारे में कि क्या बनाना चाहते हैं कितना बनाना है और उसको किस प्राइस पर मार्केट में बेचा जाएगा संदीप जी नमस्कार जय हिंद तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे इस व्यवस्था को हम कहेंगे कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद और साम्यवाद के एक से ज्यादा नाम हमें पता चलते हैं साम्यवाद को हम मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं साम्यवाद को हम स्टेट ड्राइव इकोनॉमी भी कहते हैं स्टेट ड्राइव इकोनॉमी से मतलब क्या हो जाता है कि राज्य प्रशासित अर्थव्यवस्था जहां सारा सब कुछ कौन तय करेगा राज्य तय करता है उसको हम कहते हैं स्टेट तो यहां हमें ये संगठन क्लियर हो गए जो शुरुआत में मैंने लिखे थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है दिस इज द इकोनॉमी वे आर द ऑनरशिप ऑफ सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर यूज इज वेस्टेड इन प्राइवेट हैंड्स यानी उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है और कम्युनिस्ट में क्या हो जाएगा कि उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है यहां पर निजी का ना होकर के सरकार का होता है तो इस व्यवस्था को सबसे पहले अमेरिका अपनाता है और इस वाली व्यवस्था को कौन अपनाता है सबसे पहले रूस ने अपनाया बोलसेविक क्रांति के बाद फिर उसने चीन ने अपना लिया ओके संदीप कुमार स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स जीरो लेक्चर यानी आज पहला दिन है पहली क्लास है रेगुलर यही टाइम रहेगी सभी के लिए ये टाइम फिक्स है मैं आपको अगले दस पंद्रह दिन का शेड्यूल भी बना के दे दूंगा कि किस दिन कौन सा लेक्चर पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप प्रॉपर इस पूरे नोट्स भी बना सकते हैं इन दोनों के बीच वाला जो रास्ता होगा जिसमें कुछ गुण ये वाले भी मिले कुछ ये वाले भी गुण मिले उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनमी जैसे कि भारत भारत में एक तरफ निजी लोग भी मिलते हैं अंबानी है टाटा है अडानी है तो दूसरी तरफ सरकार भी है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण पाए जाते हैं इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आगे उसको समझ लेंगे इतने तक मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है आप अपना कमेंट करिए मैं आपको रिप्लाई करूंगा बेसिक से अब अगला बेसिक है कि हम अर्थशास्त्र में पांच चीजों का अध्ययन करते हैं मैनली कौन कौन सी वो पांच चीजें होती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं आयशा जी नमस्ते पहला है प्रोडक्शन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन ये क्या होता है इसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी समझेंगे दूसरा पॉइंट आता है दूसरा जैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण ये क्या है यह भी अभी क्लियर कर दूंगा तीसरा पॉइंट आता है जिसे कहते हैं एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय और चौथा पॉइंट आएगा जिसे कहते हैं कंज्यूम करना यानी कि उपभोग करना और पांचवा पॉइंट है जिसे कहते हैं रिवेन्यू यानी कि राजस्व तो अर्थशास्त्र में हम इन पांच चीजों का अध्ययन करते हैं पेपर पेन उठाओ और बिल्कुल इन पांचों को डिटेल में नोट करना शुरू करो पहले हम लेते हैं कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन किसे कहते हैं पहली हमारी समस्या ये है कि मुझे उत्पादन समझा दो उत्पादन का मतलब अर्थशास्त्र में क्या होता है तो उत्पादन का मतलब होता है जैसे ये गन्ना है ना ये तो सभी ने देखा होगा शुगर केन अब इस गन्ने को क्या करोगे इसको ले जाएंगे शुगर मिल में जहां पर चीनी बनाई जाती है और अब इससे बन गई चीनी तो ये क्या था ये कच्चा माल था और कच्चे माल से ये तैयार माल यानी जिसे निर्मित माल कहते हैं तो जो निर्मित माल है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट और इसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रोडक्शन उत्पादन यानी किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन है इसकी डेफिनेशन अगर आप करोगे तो कैसे करोगे कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना यह बिल्कुल सरल है अथवा किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना नोट करते जाओ साथ ही साथ में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है ठीक है तो प्रोडक्शन अब एक उदाहरण यह लिया था आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो इस ढंग से यह प्रोडक्शन होगा दूसरा पॉइंट क्या आया था दूसरा पॉइंट आया था डिस्ट्रीब्यूशन तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कैसे बोलेंगे ये और भी सरल है उत्पादन अगर हमें समझ में आ गया है तो वितरण उत्पादन कहाँ होगा प्रोडक्शन कहाँ होगा तो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रियों में कारखाने में है ना? जैसे ये मान लो कोई कारखाना है यहां पर किसी वस्तु को बनाया जाता है अब फैक्ट्री से सामान कहां पर आएगा जहां पर उसे खरीदा जाएगा तो खरीदने के लिए हम कहा जाते हैं बाजार में जाते हैं या हम सीधे कारखाने से जाकर खरीद लेते हैं कुछ क्रांतिकारी लोग कारखाने से भी खरीद लेते हैं लेकिन हम सामान्यतः कहां जाएंगे हम सामान्यतः जाएंगे बाजार में तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब ये मार्केट में आ गया तो इसकी परिभाषा कैसे करोगे तो इसकी परिभाषा बड़े सरल शब्दों में की जा सकती है क्या कैसे कर सकते हैं कि के उत्पादक केंद्र से वितरण केंद्र तक वस्तु या सेवा को पहुंचाना वस्तु की जगह आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं वस्तु या सेवा सर्विस को पहुंचाना अब ये वस्तुएं क्या होती हैं इकोनॉमिक गुड्स कैसे कहते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा धीरे धीरे तो देखो ये बात हमें क्लियर हो गई कि उत्पादक केंद्र से वितरण केंद्र तक वस्तु या सेवा को पहुंचाना हम मार्केट में जाएंगे ये किराना स्टोर जरूर से, ऐसे ही हम जो कोई भी सामान खरीदते हैं तो फैक्ट्री से तो नहीं खरीदते तो इस व्यवस्था को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब आता है तीसरा पॉइंट बताया था ना कि अर्थशास्त्र तो के अंतर्गत आता है एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं विनिमय तो विनिमय से क्या मतलब हुआ अब ये बाजार में कुछ जो प्रोडक्ट हैं हमारी जरूरत के वो रखे हुए हैं ठीक है अब ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत के हैं तो आप इनको लोगे तो क्या ऐसे ही लेके चले जाओगे बदले में उसको कुछ ना कुछ आपको भुगतान करना पड़ेगा यानी अब क्या चाहिए मुद्रा तो मुद्रा यानी हम कोई भी वस्तु या सेवा लेते हैं तो उसके लिए हमें नगद नारायण देने पड़ेंगे पहले सिस्टम चलता था उसे हम वाटर सिस्टम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली कि आप एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे सकते थे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः ऐसा होता रहता है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु आप अपने शहरों में भी देखते होंगे कि कुछ बर्तन बेचने वाले आते हैं वो पुराने कपड़ों से बर्तन सेल करके चले जाते हैं तो वहां पर वस्तु के बदले में वस्तु दी जा रही है लेकिन यहां हम अर्थशास्त्र में कि कोई भी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं तो बदले में हमें मुद्रा देनी पड़ेगी भारत में चूंकि रुपया चलता है विदेश दूसरे देशों में जाएंगे तो उनकी करेंसी रहेगी ये हो गया क्लियर यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए नेक्स्ट अब आता है अगला पॉइंट जिसमें लिखा था कंज्यूम करना यानी ये होता है उपभोग करना अब उपभोग करने से क्या ना? तो देखो बाजार से जैसे हम चीनी लेके आए हमारी आवश्यकता थी कि हमें चीनी चाहिए तो चीनी बना दी गई प्रोडक्शन हो गया चीनी का फिर वितरण हो गया चीनी का बाजार से अब हम उसे खरीद के लाए रुपया दे दिया ओके okay? अब इस चीनी का क्या उपयोग कर सकते हैं अब चीनी का उपयोग यह कर सकते हैं कि यदि आपको लस्सी बनाना है तो लस्सी बना के आपको लस्सी पसंद नहीं है आप चाहें तो चाय बना के पो चाय के दोहरे फायदे हैं प्रधानमंत्री भी बन सकते हो संदीप कुमार साकेत बस आपके नोट्स पढ़ लें सर मेरे पास कोई बुक नहीं है तो सफिशियंट होगा देखो मैं बड़ा इसके बारे में बड़ी क्लियर राय रह रखता हूँ आजकल मैंने कुछ ऐसे कमेंट पढ़े ऐसे धीर धुरंधरों को सुना भी जिनके बारे में वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो आपको कुछ नहीं करना है तो इस भ्रम में तो रहना रह मत अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक जरूर ले लेना दो बुक आप जरूर खरीद लें वो बुक पूरी नहीं पढ़नी है पहले नोट्स को प्रायोरिटी दें देन कुछ बचेगा या कुछ ऐसा लगता है कि नोट्स में ये चीज ज्यादा डिटेल में नहीं है क्लियर नहीं है तो फिर उसका रेफरेंस लेंगे कौन सी दो किताबें चाहिए एक आप लेंगे प्रतियोगिता दर्पण इसका आता है विशेषांक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतियोगिता दर्पण अलग अलग टॉपिक पर विशेषांक निकालता रहता है तो जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था वाले विशेषांक की बात करते हैं एक तो आप ये ले लेंगे और दूसरा आप ले रहे हैं डॉक्टर रमेश सिंह सर की एक किताब आती है मैग्रोहिल पब्लिकेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था ये दो किताबें अगर ले ली तो लाइफ झिंगाला मतलब अब प्रिलिम्स तो हम इससे निकाल लेंगे प्री का सारा इसमें से आ जाएगा बट मुख्य परीक्षा के कुछ टॉपिक यहां से आएंगे तो नोट्स प्रायोरिटी देन उसके बाद अगर कहीं उलझन आती है तो फिर हम ये और ऐसे लोग जो इस तरीके से दावा करते हैं तो उनसे कहो कि प्रभु आप स्वयं सिलेक्ट हो जाओ हम लोगों को भ्रमित मत करो सही जानकारी दो ऐसा आप लोगों को कहना चाहिए हाँ अंशुल पमार बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हाँ बालों के बदले में भी बर्तन लेके जाते हैं बाल पचास हजार रुपए किलो के हिसाब से जाते हैं आजकल ठीक है तो कंज्यूम करने से क्या मतलब हुआ कंज्यूम करने से मतलब हुआ कि वो सारी गतिविधियां करना जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है चार पॉइंट हो गए कि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं अब है पांचवा पॉइंट जिसे बोलते हैं रेवेन्यू तो रेवेन्यू यानी कि राजस्व तो राजस्व के अंतर्गत वित्त का प्रबंधन आ जाता है मैनेजमेंट आ जाता है यानी बजट भी राजस्व का भाग है कि कितना पैसा आएगा कहाँ से आएगा कौन सी स्कीम में खर्च करेंगे लेखा जोखा तो क्या हम पढ़ रहे थे बेसिक पॉइंट था कि बी स्टडीड फाइव मेजर थिंग्स इन इकोनॉमी फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है ये समझ में आ गया होगा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तीसरा एक्सचेंज किसे बोलते हैं कंज्यूम किसे बोलते हैं रेवेन्यू किसे बोलते हैं डे वन पहला लेक्चर बिगनिंग से ओके okay, ये हो गया नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन जो है यानी उत्पादन जैसे समझाता कि कच्चे माल को निर्मित माल में बदलता है या किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करता है तो प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी चीजें होती हैं यानी किसी भी वस्तु किसी भी उत्पादन को करना है तो हमें क्या क्या चाहिए तो उसके लिए पांच चीजों की आवश्यकता पड़ेगी पहला आता है लैंड यानी कि भूमि दूसरा यानी देखो उत्पादन करना चाहते हो आप किसका उत्पादन करना चाहते हो कोई भी एक्स वाई जेड मान लो हम कारखाना लगाना चाहते हैं किसी भी प्रकार का कहीं पर भी तो जब किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई कारखाना आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जमीन चाहिए होगी हवा में तो वो काम होगा नहीं राइट तो जमीन चाहिए यानी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी फिर से बताता हूं कि अगर हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं उत्पादन करते हैं इट मींस हमें कोई कारखाना प्लांट लगाना पड़ेगा अगर हम किसान हैं मान लो हम कोई कारखाना नहीं हम तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हवा में तो नहीं होंगे ना उसके लिए भी तो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो पहला पॉइंट हो जाता है भूमि दूसरा आता है कैपिटल कैपिटल को बोलते हैं हम पूंजी वेरी गुड अनसोल अंकित सही आंसर है आप लोगों के बिल्कुल सही तो पूंजी अब पूंजी जैसे हम आप म बोलचाल में नहीं बोलते हैं अरे हम एक व्यवसाय बिजनेस करना चाहते हैं बट पूंजी नहीं है तो पूंजी यानी पैसा चाहिए पैसा होगा तो आप जमीन खरीद पाओगे यानी लैंड की व्यवस्था भी कर पाओगे तो कैपिटल मस्ट है अब कैपिटल भी हो गया उसके बाद लैंड भी मिल गया तीसरी बात आती है कि अगर आप कोई कारखाना लगाना चाहते हो कृषि करना चाहते हो तो उस पर काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए लेबर भी तो चाहिए इसे कहते हैं श्रम उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी देन इसके बाद फिर आता है संगठन ऑर्गेनाइजेशन अब संगठन के बारे में अगर डिटेल समझना है तो सुबह की क्लास जरूर देखा करो साढ़े नौ बजे लोक प्रशासन पढ़ाते हैं वो क्लास के साथ में रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन साइमल्टेनियसली रहता है तो उस लेक्चर को जरूर देखो उसमें आपको संगठन डिटेल में पता चलेगा फिर भी ऐसा समझ लो कि संगठन एक कोई भी व्यवस्था होती है कि जैसे कानून और व्यवस्था को हमें प्रभावी बनाना है तो उसके लिए एक पुलिस संगठन बनाया गया तो पुलिस में क्या सभी को एक जैसे काम दिए वहां पर कार्यों का बंटवारा किया जाता है जैसे जिला स्तर पर एसपी बनाया जाता है उसके नीचे फिर एएसपी होते हैं डीएसपी आते हैं टीआई होगा सब इंस्पेक्टर होगा एएसआई हेड कांस्टेबल कांस्टेबल इनका एरिया बांटा जाएगा इनको ऊपर वाले व्यक्ति के आदेश का पालन करना पड़ेगा आदेश के पालन की प्रगति रिपोर्ट ऊपर भेजनी पड़ेगी तो ये क्या है इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं संगठन बोलते हैं कि नीति निर्माण कौन करेगा नीति का क्रियान्वयन कौन करेगा रिपोर्ट कौन करेगा तो अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं आप कुछ भी बनाओ तो इसके लिए ये चारों चीजें चाहिए ये चारों हैं लेकिन एक जिसकी कमी है और वो सबसे बड़ी कमी है और वो पांचवा पॉइंट क्या आता है उसे हम बोलते हैं करेज यानी कि साहस आपके पास सब कुछ है लेकिन साहस की कमी है आपको लगता है कि पता नहीं मेरा प्रोडक्ट बाजार में चल पाएगा नहीं चल पाएगा पहले से इतने लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में बना रहे हैं मेरी पूछ परख होगी कि नहीं होगी तब क्या हो जाएगा आप कुछ भी कोशिश कर लेना सफलता नहीं मिलेगी पीएससी में साढ़े तीन लाख फॉर्म जमा होते हैं हर साल अब आप ये सोच लो अरे साढे तीन लाख लोगों में मैं कहा हूं मेरा तो फिर होगा मुश्किल हो जाएगा मुझसे तो अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं तो ऐसा सोच लिया यानी आप में साहस की कमी है तो आप भूल जाओ आपको पीछे आना पड़ेगा तो साहस अच्छे अच्छी मुश्किलें अच्छे अच्छे जो जहां लगता है कि रास्ता खत्म अब कुछ नहीं है साहस ने सारे रास्ते निकाले हुए तो साहस सबसे महत्वपूर्ण है तो इनका कोई ऑर्डर नहीं बना सकते कि पहले नंबर पर क्या चाहिए दूसरे पे क्या चाहिए तीसरे पे क्या चाहिए बट बट पांचों की आवश्यकता होगी तब जाकर क्या होगा प्रोडक्शन होगा उत्पादन होगा तो प्रोडक्शन के लिए पांच अनिवार्य एलिमेंट यानी महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये हो जाते हैं हाँ अगर आपको ऐसा लगता है किसी को भी आपको क्या संदीप जी किसी को अगर लगता है कि क्रैक होगा या नहीं तो या नहीं वाले शब्द पे आप क्या कर दो कालिक पोत दो या नहीं होगा या नहीं तो इसको आप एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से अब आप यही लेखो हां होगा तो होगा ये बहुत जरूरी चीजें अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं उत्पादन आखिर करते क्यों हैं व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो अब हम यहां आवश्यकता समझ लेते हैं नीड्स किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता होगी कहीं पर जरूरत होगी तो नीड को कैसे हम परिभाषित करें और नीड कितनी होती है कहाँ तक होती है और कब किस स्टेज में जाकर के व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए फिर कोशिश करने लगता है तो आवश्यकता के तीन कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट यानी कि इसके तीन घटक होते हैं कौन कौन से घटक होते हैं पहला आता है इच्छा होना अब देखो यहाँ अपने आप से भी जोड़ सकते इसको हम मॉरल बूस्ट के रूप में भी समझा सकते हैं अर्थशास्त्र है हालांकि ये कि जैसे आपकी आवश्यकता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने आखिर क्यों है आपकी आवश्यकता कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने अरे वो हमारे पड़ोस में सिलेक्शन हो गया था उनका हमने जलवा देखा तो हमें लगा हमें भी बनना चाहिए पिताजी ने बोल दिया था इसलिए बनना चाहिए गर्लफ्रेंड ने कह दिया था इसलिए बनना चाहिए तो रिश्तेदार ताने मारते थे इसलिए मैं फालतू बैठा रहता था पबजी खेलता रहा अब लगा नहीं प्रशासनिक आखिर आवश्यकता आपकी कितनी किस लेवल की है कहाँ तक है तो पहला पॉइंट आता है इच्छा होना तो पहले तो आपके अंदर इच्छा हुई होगी जिस भी बात की हम जो कोई भी उदाहरण ले लें जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैं फिल्म देखूंगा मूवी देखूंगा चाहे लॉकडाउन लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो मुझे तो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जो भी एक एक्टर एक्ट्रेस है उसकी ये मूवी देखना है तो इसके लिए पहले इच्छा हुई होगी अब इच्छा होने से तो मूवी पूरी नहीं देख मूवी देखने को नहीं मिलेगी ना तो फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है कि आपको मूवी का टिकट खरीदने के लिए पैसा चाहिए यानी इच्छा पूर्ति के लिए धन आवश्यक है ये भी तो जरूरी है ना चलो ठीक है भाई पहले तो इच्छा हुई कि ये पर्टिकुलर मूवी देखूंगा दूसरा उसके बाद है कि हाँ मेरे पास पैसा भी है और पैसा तो है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते हो पैसा अगर खर्च नहीं करना चाहते हो तो इच्छा होने के बाद भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी यानी इच्छा पूर्ति के लिए धन होना एक अलग बात है और उस धन को कितनी जल्दी आप खर्च कर देते हैं ये एक अलग बात है धन व्यय करने की तत्परता होना फिर समझो कई पुराने जमाने में लोग क्या रहते थे कि दिखावा नहीं करते थे उनके पास खूब सारा पैसा था लेकिन वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते थे उसको पैसे को ब्लॉक करके रखते थे तो पैसा तो है अब उनने पैसा ब्लॉक करके रखा है तो अब उनसे अगर ये पूछा जाए कि क्या आपने विश्व भ्रमण किया क्या आपने भारत भ्रमण किया या आपने कभी अच्छे कपड़े पहने क्या आपने कभी अच्छा खाना खाया नहीं इच्छाएं तो नहीं होंगी लेकिन धन भी था धन व्यय नहीं कर सकते तो ये काम कैसे पूरे होंगे तो कितनी जल्दी हाउ रेडीनेस अब आपकी इच्छा थी कि मैं तो डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं या डीएसपी बन जाऊं पीएससी से यही पोस्ट होती है यूपीएससी में आप आई आईपीएस बन जाए राइट तो अब ये कैसे बनोगे इसके लिए पहले तो आपके अंदर इच्छा हुई होगी अब इच्छा पूरी होने या धन से मतलब है देखो पैसा तो कहीं ना कहीं लगेगा कही ना किताबे अगर आप क्लासेस नोट ज्वाइन नहीं करते हो कोई बात नहीं लेकिन आपको नोट्स वोट तो आपको लेने ही पड़ेंगे ना फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना अब उसके लिए पैसा है फॉर्म ही नहीं भरना चाहते हो कि अरे वो फीस कौन जमा करेगा तो आवश्यकता के ये तीन कंपोनेंट होते हैं इच्छा होना इच्छा पूर्ति के लिए धन होना और धन व्यय करने की तत्परता होना तो अभी तक हम क्या समझ पाए मैं एक बार फिर उसे दोहरा दूं कि यहां पर हम बेसिक से शुरू किया था कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है एक विषय है तो दूसरा क्या है उसका एप्लीकेशन फिर हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था को देख लिया देन इसके बाद फिर क्या कर रहे थे फिर हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स में पांच चीजों का अध्ययन किया जाता है वो पांच और उसके बाद फिर बाद में ये आ जाता है आवश्यकता ये क्लियर हो गया अब और आगे बढ़ते हैं ये हैं मिस्टर एडम स्मिथ थे जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं क्यों कहते हैं इन्हें अर्थशास्त्र का जनक तो उसके पीछे उनकी ये किताब है वेल्थ ऑफ नेशन जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो क्या करोगे किताब को तो आप कोशिश करना ऐसे लिख दो फिर भी आपको कुछ लोगों को कठिनाई आ जाती है तो वो क्या करेंगे आप हिंदी में लिख दो इंग्लिश वर्ड वेल्थ ऑफ नेशंस वैलिड है ये चलेगा कहीं कोई आपत्ति नहीं इस पर सत्रह में इस किताब का पूरा नाम हो सकता है बैंकिंग के एग्जाम में अगर आप अपियर होते हैं तो पूछ सकते हैं पूरा नाम है एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन तो लास्ट का जो वर्ड है बस उस नाम से पॉपुलरिटी हो गई इसमें इन्होंने क्या बताया एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो है वो क्या है साइंस ऑफ मनी यानी अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की नजर से अगर हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा या धन का विज्ञान बताया साइंस ऑफ मनी ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जब एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि साइंस ऑफ मनी यार तो शास्त्र धन का शास्त्र है फिर सामने एडम स्मिथ लिखा हो फिर वहां पर अल्फ्रेड मार्शल लिखा हो कि बताओ सही क्या है गलत क्या है ये सारी चीजें दूसरे व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड मार्शल जिनका नाम ले रहा था मैं थोड़ा सा ये स्लाइड में गड़बड़ हो गया है इनकी बुक का नाम है अल्फ्रेड मार्शल नाम है इनका है ना अल्फ्रेड मार्शल इनकी किताब भी आप रट लेंगे मटेरियल है उसमें पूछी जा सकती प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हिंदी करें तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत ये क्या कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल स्मिथ ने बताया था कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है ये धन के शास्त्र की बात नहीं करते ये सिंपल सी बात करते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ये कल्याण का शास्त्र है लास्ट वाला पॉइंट हमारे काम का है अल्फ्रेड मार्शल कंसीडर्ड इकोनॉमिक्स इज टूल वेलफेयर दूसरे तरीके से सोचना शुरू करें कि आप देश से गरीबी दूर करना चाहते हो लोगों का इलाज करना चाहते हो कोई भूख से ना मरे कोई आ, आ, उसके पास आवास ना हो सड़कों पर सो रहा है तो आप उसको आवास देना चाहते हो कैसे दोगे कहां से दोगे आखिर चाहिए तो पैसा ना पैसे के बिना तो ये हो नहीं सकता ना पैसा जरूरी है यानी इकोनॉमिक्स जरूरी है जिससे हम क्या कर रहे हैं वेलफेयर कर रहे हैं कल्याण के काम कर रहे हैं ना तो अल्फ्रेड मार्शल ने इसे बताया कि इकोनॉमिक्स इज टूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द द स्टडी ऑफ ऑफ इन बिजनेस लाइफ एक और प्रोफेसर साहब है उनका भी नाम ले सकते हैं प्रोफेसर हैं लियोनेल रॉबिन्स ये बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे इनकी परिभाषा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी लेकिन समझने की स्थिति में हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है इनकी किताब का नाम है काफी बड़ी है एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस साइंस एन ऑन द द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ ऑप्शनल यूज या ऑप्टिमम यूज ऑफ मीन सोर्सेज आर स्टडी नहीं समझ आता है इन सब बातों से ना तो हम क्यों समझे इन बातों को हम अपने सरल भाषा में कोशिश करते हैं प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि मान लो आपको दिल्ली जाना है आप जहां पर भी रहते हैं वहां से दिल्ली चलो का नारा देते हैं दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं अठारह की क्रांति में जो मेरठ छावनी के सैनिक थे उन्होंने यही नारा दिया था दिल्ली चलो अब आपको दिल्ली जाना है जो दिल्ली जाएगा उसका सिलेक्शन आए उसका रिजल्ट और वो वैकेंसी उसके लिए जारी कर देगा अब आप अपने होम टाउन से जहां पर भी आप रहते हैं वहां से दिल्ली कैसे जाओगे कमेंट करके बताओ आप कैसे जाओगे क्या तरीका है आपके पास जाने का अंकित संदीप अंशुल और कौन देख रहा है तो दो तीन लोग ही तो कमेंट कर रहे हैं यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं जो अनिवार्य है कंपलसरी है तो कैसे जाओगे अपने घर से कहीं कितनी जगह रहते हो कोई बालाघाट होगा कोई छिंदवाड़ा होगा कोई ग्वालियर होगा कोई शिवपुरी होगा कोई मुरैना होगा वेरियस टूल्स हम ट्रेन से जा सकते हैं बाय बस जा सकते हैं बाय एयर एयरलाइन से जा सकते हैं अपने निजी व्हीकल से जा सकते हैं कार से जा सकते हैं बाइक से जा सकते हैं डिपेंड करता है अब डिपेंड तो करता है लेकिन अब आपके पास क्या है कि आपके पास मात्र बीस रुपए हैं ओनली दिल्ली पहुंचना है दो दिन से खाना भी नहीं मिला हुआ है भूखे हो अब कैसे जाओगे अगर ट्रेन से बस से एयर से तो इसके लिए पैसा चाहिए कार इससे पैसा चाहिए इससे पैसा चाहिए तो क्या करोगे आप जाना नहीं जा पाओगे बंद कर दोगे कि नहीं मुझे नहीं जाना और भी तरीके हैं बीस रुपए हैं तो क्या हुआ पहले पेट पूजा करेंगे कहीं सस्ता सा कुछ देखेंगे कहीं भंडारा चल रहा हो ऐसा कुछ सिस्टम खोजेंगे ना बीस रुपए में पेट भर सके ऐसे कई सारे लंगर मिल जाते हैं देन फिर क्या करेंगे ट्रेन है डब्ल्यू टी कोशिश करेंगे जाने की बस वाले से रिक्वेस्ट करेंगे भाई पैसे नहीं है जेब कट गई है जाना जरूरी है थोड़ा तो हेल्प करो लोगों से हेल्प लिफ्ट ले सकते हैं किसी से बोरो करके भी जा सकते हो ना तो कहने का परपज है कि प्रोफेसर प्रोफेसर जो रॉबिन्स हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेस सीमित होते हैं जब सीमित संसाधन हो तब उन संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यानी ऑप्टिमम वेस्ट यूटिलाइजेशन उसे कहा जाता है अर्थशास्त्र आपके पास क्या अनलिमिटेड समय है प्रिपरेशन करने का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पीएससी आईएएस एसएससी पटवारी रेलवे आपके पास भी तो लिमिटेड समय है ना क्या आपके पास अनलिमिटेड धन है कि आप दुनिया भर की कोचिंग क्लासेस जो भी बोलेगा जैसे सुबह सुबह टीवी ऑन करो जो भी चैनल लगाओ बीस चैनल तो चालीस बाबा उपदेश दे रहे हैं वैसे आजकल यूट्यूब पर भी यही हो रहा है ना हर व्यक्ति बैठा हुआ है कि नहीं मुझे पढ़ो मुझसे पढ़ो ये ले जाओ घुट्टी इसे पी लेना आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा तो क्या करोगे सीमित संसाधन है उनका बड़े सोच समझ करके यानी सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है तो गन्ने का जो रस पिया होगा जूस पिया होगा बस उससे याद कर लो कि गन्ने को पहले मशीन में डाला जाता है दूसरी बार फिर उसे तोड़ मरोड़ करके डाला जाता है तीसरी बार उसमें नींबू पुदीना के साथ डाला जाता है यानी उसका पूरा रस निकाल दिया यानी संसाधनों का भरपूर उपयोग यह याद रहेगा इसको लेकर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए तो अब हम यहां पर अर्थशास्त्र संबंधी दो तीन नाम जो ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे अभी हम मुख्य परीक्षा पर नहीं चल रहे मुख्य परीक्षा पे कल के लेक्चर से बढ़ना शुरू करेंगे जैसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर किसे कहते हैं तो इसको कल डिटेल में कर सकते हैं अभी आगे देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार वो संगठन था ये टाइप की बात कर रहे हैं प्रकार तो यहां पर लिखा है तीन एक लिखा है एग्रीकल्चरल दूसरा लिखा है इंडस्ट्रियल तीसरा लिखा है सर्विस एग्रेरियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकॉनमी एंड सर्विस इकोनॉमी एग्रेरियन इकॉनमी का मतलब हुआ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जितने लोग देख रहे हो तो इतना तो जरूर करना चाहिए आप लोगों को कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें टाइमिंग नोट कर लें नाइन थर्टी रेगुलर मंडे टू सैटरडे संडे को बस एक दिन छोड़ देंगे बाकी आपको नाइन थर्टी में ये मिलेगा और यह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा तो एग्रेरियन इकोनमी यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि वह हम अपने देश में जो इनकम होती है तो उस इनकम को जीडीपी से मापते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कल के टॉपिक में आएगा सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में यदि कृषि से कम से कम पचास प्रतिशत योगदान होता है तो ऐसा देश ऐसा राज्य उसकी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाएगी एग्रेरियन इकॉनमी कहलाएगी एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स कि कम से कम जीडीपी में 50 प्रतिशत योगदान अगर कृषि का है तो इसी तरीके से औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी ऐसा सेक्टर जहां उद्योगों से कम से कम 50 प्रतिशत इनकम हो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन उसका सहयोग कितना है मिनिमम 50 परसेंट मोर देन कितना ही हो सकता है तो उसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलेंगे तीसरा आता है तीसरा क्या है सर्विस इकोनमी यानी सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था यही परिभाषा इस पर लागू हो जाएगी कि अगर सेवा क्षेत्र का पचास प्रतिशत या उससे अधिक योगदान है तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को हम सर्विस इकोनॉमी कहते हैं सर्विस क्या होती है जैसे ये लोग बैठे हुए हैं कुछ किसी कॉल सेंटर या किसी जगह काम कर रहे हैं तो ये सेवा इसको सर्विस बोलते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेवा है बैंकिंग सेवा है इंश्योरेंस सेवा है टूरिज्म सेवा है एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन ये भी सेवा है ऑफलाइन एजुकेशन वो भी सेवा है तो अब तीन प्रकार से हम इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं एक बात और याद रखना अगर किसी देश में जीडीपी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कृषि को छोड़कर दूसरे से है तो वो प्रगतिशील होता है विकसित होता है अगर कृषि से है तो प्रगतिशील नहीं होता है अब हमारे देश के बारे में हम तय करें कि कौन से सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्या इंडस्ट्री से है सर्विस से है या एग्रीकल्चर से वर्तमान की बात करें जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस सेक्टर की है बताए अंकित संदीप अंशुल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का है तो सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का और सबसे कम है कृषि का चौदह प्रतिशत के आसपास बट उसके बाद भी भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है उसके बाद भी भारत कैसा देश है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश तो इसका मतलब ये परिभाषा झूठ थी क्या इसमें तो आपने बोला कि पचास परसेंट से ज्यादा हो तो यहां तो चौदह परसेंट ही है कृषि का नहीं परिभाषा बिल्कुल सही है मगर आधी थी पूरी परिभाषा क्या कहती है कि हम जी में योगदान के साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस सेक्टर से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला तो भारत में अधिकांश आबादी जो है वो कृषि से रोजगार प्राप्त करती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए हमारा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है मुख्य परीक्षा में यूनिट नंबर सेकंड में पूछा जाएगा कि कृषि क्षेत्र उसकी ओके ऑल दो अराउंड सिक्सटी टू परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंड इन एग्रीकल्चर बट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली इट कॉन्ट्रीब्यूटली फोर्टीन परसेंट इन जीटीपी ये क्या था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थे यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार अब यदि आपसे पूछे जाए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो क्षेत्रों को कैसे बताएंगे तो उसमें हम तीन मेजर लिखेंगे और दो और जोड़ेंगे इसमें जो टर्सरी के अंतर्गत आएंगे प्राइमरी प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र तो कैसे प्राथमिक क्षेत्र इसकी भी बात करते प्राइमरी प्राथमिक सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक और टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक और इस टर्सरी के अंतर्गत हम एक क्वार्टनरी भी बना लेंगे और एक पंचक क्षेत्र भी बना लेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि जो संसाधन हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं जैसे कृषि मछली पालन पशुपालन खनन माइंस खनिज ये सब प्राकृतिक यानी प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकॉनमी इंक्लूड्स मोस्टली में क्या होगा सेकेंडरी में होगा ये, कि ये जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्राप्त हुआ अब इस प्राइमरी सेक्टर को हम इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे यानी इसका मशीनों से कुछ बनाएंगे मैन्यूफैक्चरिंग करेंगे विनिर्मित चीजें बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा सेकेंडरी यानी प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं और विनिर्मित माल बनाते हैं तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है जैसे खनिज निकाला गया अब उसको भट्टियों में डाल करके आयरन एंड स्टील बना दिया कपास खेतों में पैदा हुआ और उससे कपड़े बना दिए तो ये कपड़े क्या हो गए सेकेंडरी सेक्टर हो गया ओके मनु गुड इवनिंग तो आज आपकी क्लास कौन पढ़ा रहा है नेक्स्ट तीसरा है टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र अब ये प्राइमरी सेक्टर हो चाहे द्वितीय सेक्टर हो इसमें जो श्रम की आवश्यकता है उस श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है टर्सरी सेक्टर की जैसे अगर मान लो मछली पालन ही करना है तो मछली पालन अपने आप से तो होगा नहीं किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा ना काम पर तो वो लोग चाहिए ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में व्यक्ति चाहिए तो उसके लिए ये टर्सरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में हम सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र को लेते हैं दिस इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वेयर द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड जैसे मेडिकल टूरिज्म बैंकिंग टेली सारा सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है ये क्लियर हुआ तो आज चूंकि डे वन पहला लेक्चर था कल इसके आगे डिटेल में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें हम जीडीपी एनडीपी क्या होती है सर्विसेस उनके बारे में बात करेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आप इधर बुला सकते हैं सभी को यहां पर जो वहां चल रहा था वो यहां पर मैं कंटिन्यू कर दूंगा पूरा प्लेस कर दूंगा तो जितने लोग हैं यदि आपके पास आपके कॉन्टेक्ट में तो उनको ला सकते तो आज के लिए यहीं पर कल फिर हम स्टार्ट करेंगे ठीक नौ बजकर तीस मिनट पर ओके सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक दूसरा अपडेट यही है कि देखो अब अगली डेट मिली है हाई कोर्ट के द्वारा क्या सुनवाई होती है मगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो प्रिलिम्स अगर 2021 का है तो मैं मान के चलता हूं कि जनवरी में होगा और मेंस के लिए और भी टाइम आपको मिल जाता है थैंक यू सो मच टेक केयर